ग्राम पंचायत भात माहौल में 28 जनवरी 2020 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से सावित्री जायसवाल, वहीं वार्ड क्रमांक 7 से संत रामचंद्रा, वार्ड क्रमांक 8 से श्यामलाल विजय घोषित किया गया था। इस बात को लेकर तत्काल विपक्ष हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा पुनः मतगणना करने के लिए मौका पर आवेदन दिया गया था, परंतु उनके आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। इस बात को लेकर पंचों द्वारा राजस्व अनुभाग अधिकारी सख्ती के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पुनर्मतगणना के लिए आवेदन लगाया गया था, जिस पर 9 जुलाई शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी जैजपुर, तहसीलदार राम विजय शर्मा एवं मतगणना दल के समक्ष पुनः मतगणना की गई, जिस पर याचिकाकर्ताओं तीनों पंचों को जीत मिली और वह अपने वर्तमान पंचों को हराकर विजय घोषित किए गए। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी राम विजय शर्मा के द्वारा बताया गया कि भात माहुल के पंचों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति को पुनर्मतगणना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आज पुनः मतगणना की गई, जिसमें वर्तमान में बने पंच को हराकर वार्ड क्रमांक 1 से मनी नायक, वार्ड क्रमांक 7 से बलराम जायसवाल तथा वार्ड क्रमांक 8 से विजय चंद्रा ने जीत हासिल की। शक्ति से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट। भात माहुल के वार्ड क्रमांक 7, 8 और 1 की पुनर्गणना की गई, जिसके संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई थी कि वहां हमारी बातों को नहीं रखा गया और हमको जो है प्राप्त वैध मतों को अवैध कर दिया गया है। आज माननीय न्यायालय द्वारा जो है हमारी याचिका को प्रारंभिक आदेश अनुसार स्वीकार करके पुनर्गणना की कार्यवाही की गई है। पुनर्गणना में हमको जो है तीनों जो वार्ड है उस पर पुनर्गणना करते हुए अंतर पाया गया है। हमारी याचिका के अनुसार हमको जो है तीनों पंचों को उसमें विजय एक प्रकार से वो बिजी रहे हैं, आगे न्यायालयीन कार्यवाही जारी है। याचिकाकर्ता जो भात माहुल ग्राम पंचायत के तीन वार्ड के पंच लोग थे, उन्होंने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ ये अभ्यावेदन पेश किया था, याचिका पेश किया था, और उसी के तहत अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश से हम लोग जो पंचों का जो मत पत्र था उसे हम लोग सुरक्षित पुलिस बल की उपस्थिति में वहीं थाने में रखवाया गया था, वहीं से फिर ले आए हम लोग और उसी गणना की। और गणना का जो परिणाम आया उसमें उस समय पूरे उम्मीदवार लोग भी थे और बड़ा निष्पक्ष ढंग से कराया गया, और याचिकाकर्ता या जो याची है, जो आवेदन है, उनके अनुसार वो विजयी घोषित हुए हैं, लेकिन इसकी वैधानिक रूप से घोषणा हमारे माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय ने की।